जय जोहार छत्तीसगढ़, स्वागत है मेरे नए एडवेंचर पे। एक्चुअल में ये एडवेंचर होने वाला है। आप ये जो वैन देख रहे हो छोटा छोटा, इसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ लुआंग प्रवांग से वांग व्यांग। और मैं छोटे छोटे ब्लॉग इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि आप अगर इस कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो तो हर चीज़ के बारे में आपको डिटेलिंग मिल जाए। और इसकी जो प्राइस पड़ी मेरे को 2 लाख, मतलब 800 रुपये के आसपास है। और जो ट्रेन है, ट्रेन की जो टाइमिंग है, 1 घंटा लगता है लुआंग प्रवांग से वांग व्यांग। और उसकी कीमत ऑलमोस्ट 1200 रुपये पड़ेगी। और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो ट्रेन स्टेशन है ना, वो सिटी के बहुत बाहर है, तो 200 रुपये वो मान के चलो, मतलब 1600 रुपये पड़ेगा। और ये 800 रुपये पड़ेगा। ये जो बस टर्मिनल है, ये सिटी सेंटर में ही है, तो ज़्यादा किसी ट्रांसपोर्टेशन का कोई ख़र्चा है नहीं। और वैन में लगता है 6 घंटा। और मेरे को पता नहीं क्यों चूज़ किया, लेकिन मेरे को एक चीज़ करना था, मतलब पता था वैसे देखा जाए तो। मैं जब आ रहा था ना वेंटियांग से लुआंग प्रवांग, तो वांग व्यांग से लुआंग प्रवांग में ना इतने सारे सुरंग आए, मेरे को लगा कि यार व्यू होगा ख़तरनाक, और अच्छे से एक्सप्लोर कर नहीं पा रहा हूँ इस देश को, टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा यार चलो वैन का मज़ा लेते हैं, व्यू का मज़ा लेते हैं। 6 घंटा ट्रैवलिंग होगा, 1 घंटे की जर्नी को मैं 6 घंटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पता नहीं कितना देर हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है। जैसे हम वाटरफॉल गए थे, पेड़ गिर गया था, तो 2-3 घंटा ऑलमोस्ट, 2 से 3 घंटा ऑलमोस्ट वहाँ रुक गए थे। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है इन देशों में, कब क्या हो जाए। तो होपफुली सब अच्छे से हो जाए जर्नी, और आपको एक्सपीरियंस दिलाता हूँ वैन का। और वैसे मैंने यही बस टर्मिनल में आके ही बुक कर लिया, कंटिन्यूसली है यहाँ से वैन वांग व्यांग के लिए। और या तो आप होटल या हॉस्टल से भी बुक कर सकते हो। और इतना धूप में पसीना पसीना छूट रहा है, और ये सामने देखो, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है देश में, बस टर्मिनल में, ट्रेन स्टेशन में मस्त छोटा छोटा दुकान लग गया है, रेडी दुकान है। सेम अपने देश जैसा ही है। और ये पूरा बस है, और ये जो बस खड़ा है पता नहीं कहाँ जाता है, यहाँ पर खाली वैन ही ज़्यादा चलता है। और जो आप साउथ साइड जाओगे तो साउथ साइड तो बस चलता है, रोड वगैरह उतना ठीक नहीं है सुनने में आया है। चलो उसका भी एक्सपीरियंस करेंगे आगे, बट अभी तो इस वीडियो पे आप मिनी वैन का एक्सपीरियंस का मज़ा लीजिए। मैं सिर्फ इस वीडियो पे सिर्फ लुआंग प्रवांग से वांग व्यांग का ही नहीं डालूंगा, वांग व्यांग से भी वेंचियन के लिए मैं वैन लूँगा, तो वो दोनों एक्सपीरियंस का वीडियो इसी वीडियो में डाल दूंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को।
अगर आपका कमर स्ट्रांग नहीं है भाई इधर करो, मैं गलत था, रोड वगैरह बिल्कुल भी सही नहीं है इधर का। जो सिटी है थोड़ा, मतलब जो गांव एरिया है वहां का तो रोड वगैरह बहुत सही है, बट जो सिटी से बाहर निकल जाए, गांव से बाहर निकल जाए, तब रोड फिर मिलता है भाई खचा खच। और जैसे मैंने बोला कि व्यू अच्छा है, उतना अच्छे तरीके से तो शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जगह ही नहीं बन पा रहा शूट करने के लिए, एरिया ही नहीं मिल पा रहा मेरे को शूट करने के लिए, तो वो चीज़ें मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। बट आपको सिर्फ एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरा जो ट्रैवल करने का जो मकसद था कि लोकल लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लोकल लोगों से बात कर रहा हूँ। एक जन बंदा मिला, मस्त बता रहा है, एक्सपीरियंस दिला रहा है और बता रहा है अपने देश के बारे में, तो बहुत सारा चीज़ें जानने मिल रहा है, एक्सपीरियंस करने मिल रहा है। तो ये चीज़ें एक अच्छा लगता है कि आप किसी भी देश में ट्रैवल करते हो तो वहाँ के लोकल चीज़ों को जानते हो, जानने मिलता है, समझने मिलता है और अच्छे से देश को समझने के लिए मिलता है और लोकल चीज़ें देखने को मिलता है। ट्रेन में था, एक घंटे में ख़त्म हो जाता सफ़र, तो वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं हो पाया था मेरे को जब मैं ट्रेन में सफ़र किया था। तो अभी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ और ज़्यादा चीज़ें देख पा रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा एडवेंचर है, बट कोई नहीं, मज़ा आ रहा है। दोपहर के 12 बज रहे हैं और मई का महीना है और मौसम इधर का सच में उतना हॉरेबल नहीं है भाई, उतना पड़ नहीं रहा है धूप। अगर थाईलैंड वगैरह में इसी टाइम पे मैं ऐसा घूम के वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है भाई, जो धूप चुभता है ना वैसा नहीं है। अगर मैं मेरे पास ड्रोन वगैरह शूट करने का अच्छा चांस मिलता है या सब चीज़ होता ना, तो सच में आपको दिखा पाता है कि यार सच में क्या सुपर व्यू है। और ये जो गांव है ना भाई, पहाड़ों के बीचों में बसा हुआ है यार। और मौसम देख रहे हो, गर्मी का मौसम में मैं आराम से घूम रहा हूँ, तो सोचो बरसात या ठंडी के मौसम में क्या हाल होता होगा इधर। मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो एक्सपीरियंस करना था और कर रहा हूँ, क्योंकि एक घंटा में पहुँच जाता, फिर दिन पूरा दिन खाली रहता, कोई एक्सपीरियंस कर नहीं पाता, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं पाता। तो चलो इसी बहाने दिन का दिन भी निकल जाएगा और वीडियो का वीडियो भी बन जाएगा और एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो मेरे लिए वर्थ इट है। अभी आप लंच के लिए रुके हैं, इस एरिया में आया हूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नानी के गांव आया हूँ घूमने के लिए, सेम वैसा ही फील है। और पूरा रोड भी ख़राब नहीं है, और जो घाटी में था जो ऊपर से नीचे तक लेके आ रहा था नॉर्मल रोड था, बट बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। और भाई इतना छोटा सा वैन है ना, ऐसा सिकुड़ के बैठना, ऊपर से पिछवाड़ा भी सूज गया है, कंफर्टेबल है नहीं और नींद भी आ रहा है भाई।
तो अब थोड़ा सा फील हो रहा है थकान। अब बस ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी पहुंच जाओ। यहाँ आधा घंटा रुकेगा खाना खाने के लिए। और मेरे को लाओ का खाना सच में समझ नहीं आ रहा यार। और एक तो लैंग्वेज इतना इशू है कि समझा पाना भी मुश्किल है। देखता हूँ जो भाई साहब, ये हुई ना बात। ऐसा राइड करना अपने को भी ज़िंदगी में, यहाँ नहीं करूँगा अफ्रीका में करूँगा। टाइम है अभी वो सब चीज़ करने के लिए, पैसा नहीं है, पैसा जमा करेंगे फिर उसके बाद ऐसा राइड करेंगे। तो वो लोकल बंदा है जो इंग्लिश में थोड़ा बात कर लेता है, तो उसको बोलता हूँ कि भाई अगर चिकन का कुछ मिल जाए सिस्टम तो ऑर्डर कर दे यार मेरे लिए, खा लूँगा, भूख भी लग रहा है अब। आप थोड़ा व्यू देख लो आजू बाजू का, कुछ इस तरीके से है। हाँ इधर थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, उतना नहीं लग रहा है लेकिन लग रहा है। चलो फिर देखते हैं, अगर खाना खाने लायक है तो खाते हैं, नहीं तो फिर पहुंच के देखते हैं कुछ। यार यहाँ के लोगों को मिर्ची खाना कितना पसंद है, पूरे नाक से पानी आ रहा है तो भी शुरू शुरू कर करके खा रहे हैं भाई मज़े से। अजीब है भाई, अपने को नहीं जमता इतना मिर्ची। अपने को मिल गया चिकन फ्राइड राइस, आराम से खा लिया, 45,000 पड़ा, ऑलमोस्ट 125 के आसपास पेट भर गया। अब आराम से सो सो के जा सकता हूँ। पहुंच गया वांग व्यांग बस स्टेशन। पिछवाड़े और कमर की हालत हो गई है बस। मैं जा रहा हूँ सीधा, हॉस्टल बुक कराया है मैड मंकी, यहाँ पर रहेंगे अपन। और मैड मंकी वांग व्यांग का भी रिव्यू आने वाले वीडियो में आपके लिए हाजिर होगा। मैं शायद यहाँ पर सिर्फ 2 दिन रहूँ, देखते हैं। चलो वांग व्यांग का इंजॉय करते हैं, बट वांग व्यांग से वेंचियन का भी ट्रिप इसी वीडियो में आने वाला होगा।